स्कैंडल से सक्सेस तक पूजा भट्ट, बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर की ऐसी बेटी जो खूबसूरत ग्लैमरस होने के साथ साथ ब्यूटी विद ब्रेन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, इसका अंदाजा आप इनकी हरकतों से और इनके एटीट्यूड से लगा सकते हैं। स्कैंडल के फुटस्टेप से सुपर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने वाली पूजा भट्ट फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर महेश भट्ट की बड़ी बेटी है। वैसे इन दिनों ये आलिया भट्ट के साथ बिजी हैं, क्योंकि आलिया भट्ट सक्सेसफुल होती जा रही हैं और तजुर्बा कहता है कि सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने से सफलता आपको भी अपने गले लगा सकती है। बस यही सोचकर पूजा भट्ट ने बिग बॉस को गले लगा लिया, मगर बिग बॉस पूजा भट्ट के गले की हड्डी बना। ये वाकई में पूजा भट्ट के करियर में बिग बॉस ने चार मुंह चिपका दिए। जानने के लिए देखते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन रही बेहतरीन एक्ट्रेस पूजा भट्ट की लाइफ जर्नी, स्कैंडल टू सक्सेस। तो दोस्तों, कभी अपने पीछे पुछलों की बारात लेकर चलने वाली एक खूबसूरत हीरोइन ने केवल 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया, और वो भी अनुपम खेर जैसे बेहतरीन एक्टर के अगेंस्ट। जी हाँ, फिल्म डैडी में इन्होंने अनुपम खेर की बेटी का अभिनय किया और अपनी पहली ही फिल्म से बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। कर्ली हेयर के बीच जब इनके हॉट होंठ स्वीट से स्माइल का झुंझुना बजाते थे तो कसम से उनके चाहने वालों के दिल के तार झंझना उठते थे। लेकिन लगता है पूजा भट्ट को अपने चाहने वालों के इस रिस्पॉन्स से भी ज्यादा उम्मीद थी, तभी तो आगे चलकर उन्होंने अपनी बॉडी के उन पार्ट्स को भी ग्लैमरस तरीके से रिप्रेजेंट करना शुरू किया जिन्हें आमतौर पर लोग छुपाना पसंद करते हैं। मेरा मतलब है कि इन्होंने अपने फैंस और दुनिया को मैगजीन में फोटोशूट के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि उनके पास खूबसूरत स्माइल और फेस के अलावा भी बहुत कुछ है। 27 फरवरी 1972 को फिल्म मेकर महेश भट्ट और उनकी पहली पत्नी किरण के घर पर एक लड़की का जन्म हुआ, जिनका नाम बड़े प्यार से रखा गया पूजा। आपको बता दें कि ये आलिया भट्ट की हाफ बड़ी बहन है, इमरान हाशमी की कजिन सिस्टर। मुंबई के AF पीटेड गर्ल्स हाई स्कूल से पूजा भट्ट की स्कूलिंग हुई। साल 1989 में महेश भट्ट ने अपनी 17 साल की बड़ी बेटी पूजा भट्ट को लेकर एक बेहतरीन फिल्म बनाई डैडी। इसके बाद साल 1991 में इन्होंने अपने करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म की, जिसका नाम था दिल है कि मानता नहीं। ये फिल्म उस समय के चार्मिंग चॉकलेटी हीरो आमिर खान के साथ थी। इसी साल संजय दत्त के साथ उनकी बेहतरीन फिल्म सड़क भी रिलीज हुई। इन दोनों फिल्मों में पूजा भट्ट ने जिस तरीके से अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाए, उसे देखकर तो कसम से हर कोई इनका फैन हो गया। डैनी मोर वैनिटी कवर में पूजा भट्ट को इतना रिस्पॉन्स किया कि उन्होंने कई मैगजीन्स के लिए पेंटेड बॉडी शूट कराया। साल 1992 में जब पूजा का ये कारनामा सामने आया तो लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया और उनके इस काम को काफी वल्गर बताया। इस तरीके का शूट उन्होंने कई मैगजीन्स के लिए किया। इतना ही नहीं, आगे चलकर उन्होंने न्यूड लड़कों के साथ बिकनी में फोटोशूट भी कराए, कई मैगजीन्स के लिए सिगरेट के साथ फोटोशूट कराए, और उनके इस बोल्ड अंदाज को देखने के बाद तो उनके चाहने वालों के दिलों की गिल्लियां उखड़ गई। कई मैगजीन में उनके फोटो के साथ हेडलाइन थी आई एम नॉट वर्जिन। कुल मिलाकर 20 साल की उम्र में उन्होंने लाइफ को अपने बोल्ड अंदाज में एंजॉय किया। आप लोगों को वीडियो में मजा तो आ रहा है, अच्छी बात है दोस्तों। बस इस घंटे का बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पूजा के घर का एटमॉस्फेयर एस्कॉटिश इंग्लिश कल्चर से इफेक्टिव था, क्रिश्चियनिटी का घर में काफी असर था। खाने के टेबल के साथ वाइन सर्व की जाती थी और 16 साल की उम्र से ही इन्होंने पीना भी शुरू कर दिया था, लेकिन सिगरेट इन्होंने 23 साल की उम्र में पीना शुरू किया। इसके बाद तो उन्होंने सिगरेट और शराब का इस तरीके से मजा लिया कि इसके 6 साल बाद इन्हें सिगरेट और शराब को छोड़ने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना पड़ा। पूजा भट्ट के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वैसे आपको बता दें कि उनके बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचना है, लेकिन एक बात ऐसी है जो सबने उनके बारे में कही, और वो ये कि पूजा भट्ट नेचर वाइज अपने फादर से काफी कुछ मिली जुली है। यहाँ तक कि लोगों ने इन्हें अपने फादर की फोटो कॉपी भी कह दिया। 90 के दशक में पूजा भट्ट के अंगरक्षक फिर तेरी कहानी याद आई, गुनहगार जैसी लगभग 25 फिल्में आई, लेकिन फिर भी पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ये कॉन्ट्रोवर्शियल कांड करती रहती थी। उनकी फिल्मों ने उन्हें उतनी पब्लिसिटी नहीं दी जितने उनके बोल्ड फोटोशूट ने दी।
फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट के कवर पेज पर साल 1994 में एक तस्वीर आई जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। इस तस्वीर में पूजा भट्ट अपने पापा महेश भट्ट की गोद में बैठकर उन्हें लिप किस कर रही हैं। इसके बाद तो लोगों ने पूजा भट्ट और महेश भट्ट को जिस तरीके से समझाया है वैसा आज तक किसी को भी नहीं समझाया होगा। लेकिन जो लोगों की बातों को समझकर अपना रास्ता बदल ले उसे दुनिया समझदार कहती है। पर ये समझदारी महेश भट्ट को रास नहीं आई। उन्होंने अपनी बेटी और अपने रिश्ते को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला जैसा कभी किसी के बाप ने देने के बारे में भी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि यदि पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। इसके बाद तो लोगों का टेंपर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि आलिया भट्ट एक्चुअल में पूजा भट्ट और महेश भट्ट की बेटी है। पूजा भट्ट ने एक्टिंग से जितना नाम नहीं कमाया उससे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज से कमाया। साल 1996 में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस को शुरू किया, एक्टिंग को साइडलाइन किया और फिल्में बनाने शुरू की जिसमें उन्होंने जख्म और दुश्मन जैसी फिल्मों का निर्माण किया। उनकी कॉन्ट्रोवर्सी का सलीम खान पर भी असर हुआ और उन्होंने सलमान खान को पूजा भट्ट के साथ फिल्मों में काम करने से मना ही कर दिया। एक समय था जब पूजा भट्ट के प्यार के किस्से बॉलीवुड के अलग अलग हीरो के साथ सुने जाते थे जिसमें बॉबी देओल, सोहेल खान, आमिर खान जैसे कलाकार शामिल थे। फाइनली पूजा भट्ट रणबीर के साथ भी पैचअप थी। सलमान खान के भाई सोहेल खान के साथ उनकी बातचीत और रिलेशन शादी तक पहुंच गया लेकिन वो रणवीश राय के साथ लिविंग में रह रही थी। आगे चलकर रणवीश उनकी लाइफ से बाहर हो गए और पूजा भट्ट ने उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज भी लगाया। पूजा भट्ट की फैमिली ने उनकी काफी इंसल्ट की। इसके जवाब में रणवीश ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग खुद पीड़ित है वो। और फिल्म मुगल का अत्याचार वो काफी समय से झेल रहे हैं। ड्रिंक करने के बाद तो पूजा भट्ट का एटीट्यूड ही बदल जाता था लेकिन वो बिना ड्रिंक किए वायलेंट हो जाती थी। इन सब के बावजूद पूजा भट्ट ने फाइनली रणबीश के बेस्ट फ्रेंड मनीष मखीजा से शादी कर ली। इस शादी के बाद रणबीश के लिए तो सिचुएशन और भी डेंजरस हो गई क्योंकि दोस्त मित्र ना रहा और प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा इंतजार ना रहा। 2003 में इंडियन रेडियो जॉकी मनीष मखीजा से पूजा भट्ट ने शादी की और ये शादी चली मात्र 11 साल। इसके बाद दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। अपने डाइवोर्स के बारे में उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने 11 साल जिंदगी के इस शादी में बिताए हैं, हमें महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है, जिंदगी एक ही बार मिलती है और बाकी ब्ला ब्ला ब्ला। आप समझ ही सकते हैं कि डाइवोर्स स्टेटमेंट में खुद को जस्टिफाई करने की उन्होंने किस तरीके से कोशिश की होगी। पूजा भट्ट ने फिल्मों में एक्टिंग के जरिए कमबैक करने की कोशिश की। उन्होंने चुप, मुंबई बेगम और सड़क 2 में भी काम किया मगर पब्लिक ने उन्हें नोटिस ही नहीं किया। इसके बाद उन्होंने फेमस फैमिली शो बिग बॉस में एंट्री की ताकि पब्लिक उन्हें नोटिस कर सके। लेकिन बिग बॉस में आने के बाद पब्लिक ने उन्हें नोटिस करने के बजाय उन्हें कमेंट्स बॉक्स में नोटिस पर नोटिस भेजने शुरू कर दिए। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि पूजा भट्ट की लाइफ की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी कौन सी है? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।